सिंह काका, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अभी सुप्रिया जी से जो लंबी बातचीत हुई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी तब ये सारे न्याय लागू होंगे, चाहे नौकरियों का आरक्षण हो, चाहे महिलाओं को पैसा देना हो, ग्रेजुएट को पैसा देना हो, अप्रेंटिसशिप देनी हो, सब। लेकिन उस पर भी संकट है क्या अभी जमीन पर? उधर तो 300 पार का नारा है, 400 पार है, मोदी की गारंटी है, विकसित भारत का संकल्प है, सब है, ये कितना प्रैक्टिकल जमीन पर? हाँ, नारों के बीच में और नारे कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने व्यवहारिक रूप से जमीन पर हैं, उस पर एक बात मैं बस कहना चाहूंगा कि सड़क पे लिखे हुए सैकड़ों तारे ना देख, जमीन तू देख आसमान के तारे ना देख। तो सिर्फ नारों से अगर आम जनमानस का भला हो जाए, वो एक परवीन साकिर की भी एक लाइन है कि मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी और वो झूठ बोलेगा लाजवाब कर देगा। जिन लोगों ने ये कहा गरिमा, जिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में ये बयान किया कि जब रुपए की जब गरिमा गिरती है, जब रुपए की क्रय शक्ति गिरती है तो देश की गरिमा गिरती है, आज रुपए की हालात डॉलर के मुकाबले क्या है, वो लोग अब उस पर एक लाइन नहीं बोलना चाहते। वो उन्हीं की गारंटी थी, किसी दूसरे की गारंटी नहीं थी। जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसान की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, उन लोगों के कृत्य और व्यवहार ऐसे रहे कि उनके कैबिनेट के मिनिस्टर के सुपुत्र ने किसानों को रौंदा और उससे भी पेट जब नहीं भरा तो उन्होंने इस देश के 716 किसानों को शहीद होते हुए जब देखा तो जाके पिघले और किसानों के खिलाफ लाया गया कानून उन्होंने वापस लिया। जो ये कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए प्रतिबद्ध है, वो जब आपने हिसाब मांगा, आप जैसे सुधी लोगों ने हिसाब मांगा तो देश को 9 साल के बाद बताया कि मात्र हमने 9 सालों में 7,21,000 रोजगार ही दे पाए। और जिनसे जिन्होंने ये कहा कि हम काला धन ले लाएंगे, उनसे अब जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो स्विस बैंक के ही रिपोर्ट है कि भारत का काला धन 52% बढ़ा है। इस देश में एक ओपीएस का मामला है, कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में जब एक समय के बाद उसके हाथ पैर और उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तो उसका पेंशन भी उसे काम देता है। इस देश के कामगारों को जिनके श्रम से हमारे तमाम एयरपोर्टों, जहाजों और तमाम तरह के व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का निर्माण हुआ होगा, उनको एक उम्र के बाद सरकार ने बेसहारा कर दिया, एनपीएस ला करके। ये ठीक है मनोज, ये विपक्षी होने के नाते आपका अधिकार भी है, फैक्चुअल कहिए या फैक्चुअल ना कहिए, मैं तो ये पूछ रही हूं कि जमीन पर ये सरकार बनने की जो संभावना है भाई, 272 तक तो पहुंचना है मनोज, ये तो मैं गलत नहीं कह रही, वो 303 पर खड़े हैं और 370 का नारा है, आपको कहां से कहां तक पहुंचना है, ये 272 कितनी दूर दिखता है? क्योंकि जितना न्याय, जितना सब सामाजिक कल्याण है तब होगा जब संसद में बैठेंगे। नहीं, सामाजिक कल्याण तभी होगा, और देखिए 303 हो चाहे कांग्रेस, तो 80 में मैं समझता हूं कि जनता दल के बाद 80 में कांग्रेस की जो सीटें 353 थी, एक बार कांग्रेस की सीटें इंदिरा जी के बाद 400 से भी पार थी, तो अभी अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में भी 303 ही सीट है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादियों का जो संकल्प है, पीडीए की जो अवधारणा है जिस पर बात हो रही है कि इस देश में, और वो लोग जिस पर बात हो रही है कि इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से हक के हाशिए पर है, जब आपके आपके नागरिकों का 90% जो तबका है वो जब हक के हाशिए पर है, उन्हीं को हर तरह की सुरक्षा, चाहे सामाजिक, चाहे शैक्षणिक, चाहे शासकीय, उनको सुरक्षा देने का संकल्प जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने अवधारणा में लिया है, उसी से संकल्प पूरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी की हालात आप देख लीजिए, अगर आप अध्ययन करेंगे तो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 राज्यों को में सिर्फ चुनाव जीता है, उन्होंने कम से कम 9 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी हारी थी, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, लेकिन राज्यों से, मनोज ये तो आप भी जानते हैं, बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं आप, राज्यों के चुनाव से लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हटा देती हूँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीता कांग्रेस ने, लोकसभा में क्लीन स्वीप हो गया बीजेपी का। मैं लेकिन इसी नंबर गेम पर संजीव के पास जा रही हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ गरिमा, एक सेकंड, ये इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ और उसको जोड़ता हूँ, लेकिन जो जो लोकसभा का चुनाव है इसमें देश का बेरोजगार जो है
जो कामगार है, जो किसान है, जो माताएं बहने मणिपुर से लेके हाथरस में सामाजिक सुरक्षा जो मोदी की गारंटी नहीं दे पाई, उन माताओं बहनों को राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा क्या दे पाएंगे? हर घर की बहने देख रही कि आज हमारी हालत क्या, अभी एक तो ये वोटर को तय करना है मनीष, ठीक है सुनिए मैं खत्म कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में और माताएं बहने अगर कहीं सबसे ज्यादा दहशत में जी रही है तो भारत में जी रही है, उनको गारंटी कब देंगे मोदी जी और उनकी सरकार? ये सवाल है। तो जमीन पर तो नंबर गेम चलेगा ना।